हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से आए मैं अपना नया वीडियो लेके। और हमारा ये वीडियो है पीरियडिक टेबल पे। आओ हम क्विकली देखते हैं पीरियडिक टेबल बिना रट्टा मारे, बिना किसी मेमोरी के, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखते हैं। शुरू करते हैं। आप तो जानते हैं पीरियडिक टेबल में चार ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं बढ़ती है क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से बना होता है, जनरली उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ज़्यादातर हमको ज़रूरत पड़ती है एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, क्योंकि हमसे कभी बोला जाता है कि एटॉमिक मास बताओ, कभी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ, वो हमको सडनली याद नहीं होता। जैसे आपसे पूछा जाए कि टिन का नंबर बताओ, आपको नहीं मालूम होगा। टिन का एक यूनिक नंबर है, जबकि 50 नंबर पे आता है टिन, पर हमको ये नहीं मालूम होता। तो हम याद कैसे रखते हैं? हम याद रखते हैं ट्रिक्स के थ्रू। तो व्हाट इज़ द ट्रिक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक के लिए। अगर आप आओगे तो आपकी ट्रिक है क्या है? है लीना की रब से फरियाद। पहली ट्रिक क्या है हमारी? है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फरियाद, फ्रेंशियम से, सीजियम, रब, रुबीडियम की, पोटेशियम, ना, सोडियम, मैंने ली, लिथियम, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको। एस ब्लॉक ये कौन बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। अब आते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स पे। एस ब्लॉक का ही दूसरा पार्ट, इसमें क्या है? बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा है ना बेरिलियम, बीई, मैग्नीशियम, मांगे कैल्शियम, कार, स्ट्रॉन्शियम, सुंदर, बेरियम, बाप, रेडियम, राशि। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राशि। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। नेक्स्ट पी ब्लॉक पे आ जाओ। पी ब्लॉक पे सबसे पहले बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इंडियम, थेलियम। नेक्स्ट कार्बन फैमिली। कल सिलेंगे, कल सिलेंगे, सुंदर पजामे, कल सिले ये सुंदर पजामे। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन फैमिली न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली जिसको चलकोजन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि चलकोजन के बाद आते हैं हैलोजन। ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो यानी निकल मारने वाला टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके,
अब आते हैं हेलोजन्स पे, ओल्ड स्टाइल से डिपो में क्या क्या क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम, पोलोनियम। हेलोजन में फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप होता है नोबल गैसेस ग्रुप, जीरो ग्रुप भी इसको बोलते हैं। इसमें देखो क्या क्या है, ना अगरकर, अगरकर क्रिकेट का खिलाड़ी है ना अगरकर, जीरो रन पर है ना अगरकर, जीरो रन पर, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, हिरन, धरन है ना अगरकर, जीरो रन पर। ये आपने देखा एस और पी ब्लॉक। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में बहुत सारे हैं, जैसे एक तो हो जाता है कि शक्ति, विक्रम, हेको, नहीं कूद जाओ, है ना, सब एस ई और टी आई, शक्ति, विक्रम, वी सी आर और एम एन, विक्रम, शक्ति, विक्रम, हेको, नहीं खुद जाओ, एक ये बना सकते हो। और अगर जैसे हमने सीरीज के फॉर्म में बताया, वैसे सीरीज के फॉर्म में बता सकते हो आप कि स्कूटर, यामाहा, ला एक स्कूटर, यहाँ पे ये ट्री है ना, स्कूटर, यामाहा, ला एक, स्कूटर, यामाहा, ला एक, स्केंडियम, यट्रियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, टी, यहाँ जिरकोनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमियम एंड देन रदरफोर्डियम, है ना। तो टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमियम और रदरफोर्डियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैनेडियम, नायोबियम, एनबी, नायोबियम, टेक्नीशियम और डब्लियम, ओके। तो इसको हम, इसके लिए हमने बनाया है कि वो नवाब था डूबा, वो नवाब है, नायोबियम को हमने बोलते नवाब, वो नवाब था डूबा, काई में डूबा, नवाब बहुत सारी जगहों पे डूबे रहते थे, पार्टीज में डूबे रहते थे, तो वो नवाब था डूबा। वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम और डबनियम। नेक्स्ट है फिर क्रोमियम वाला, हाँ, तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड एसजी, तो इसको हम बोल सकते क्रो मा टन, टंगस्टन का टन, सच, क्रोमाटन सच, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। फिर है मैग्नीश, मैग्नीश के बाद टेक्नीशियम आता है, रीनियम आता है और फिर आता है बी एच। तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा, मन तक रिहाई, मन तक रिहाई, मन तक रिहाई। नेक्स्ट क्या है, आयरन वाला है,
आयरन के आयरन में क्या आ जाएगा? रूथीनियम, ऑस्मियम, ठीक है, आयरन में आ गया रूथीनियम, ऑस्मियम और HF। तो हम क्या बोलेंगे? फेरस, आयरन बोलते हैं फेरस, फेरिक फेरस होता है, फेरस है, हमने इसको बना दिया फेरस है, आयरन रूथीनियम और ऑस्मियम और HF। ये जो है रदरफोर्डियम से है, ये नए एलिमेंट सभी जात हुए हैं, है ना। इसको मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप इसके एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। अभी फिलहाल ये देख लीजिए क्या हुआ, ये फेरस है, ठीक है, आयरन रूथीनियम ऑस्मियम और HF, ठीक। नेक्स्ट है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और MP, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कौन रहेगा आयरलैंड में, आयरलैंड में कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और MT कौन रहेगा आयरलैंड में? निकल के बाद पैलेडियम, प्लेटिनम और DS। इसको हम बोलेंगे नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। फिर नेक्स्ट है कॉपर वाला, तो कॉपर वाले में कॉपर के बाद आता है सिल्वर और फिर आता है गोल्ड, है ना। कॉपर देखते हो ना कभी, थोड़ा थोड़ा गोल्ड जैसा भी लगता है, तो आपको खुद बना दिया जाता है कि ये गोल्ड है जबकि होता है कॉपर। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन आगे आया, कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कौन आगे आया। फिर जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो हम इसको लिख सकते हैं जिनी, कनाडा, जेडन को जिनी लिख दिया, कैडमियम को कनाडा लिख दिया और HG को होगा जिनी कनाडा होगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल याद हो गई। अब आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, और आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप एटॉमिक मास इजीली निकाल सकते हो, यानी एक ही बार में सारी चीज़ें। एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, 2 8 8 18 18 32, बस ये फॉर्मूला याद रखो सारे। अब जैसे आपको लिथियम का बताना है एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 1 प्लस 2 3 हो गए, लिथियम का 3, सोडियम का 8 प्लस 2 11 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। पोटेशियम का बताना है तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 8 19, ऊपर वाले का जितना है उसके साथ ऐड कर दो, यानी ऑक्टेट रूल पढ़ते हो आप उसी के हिसाब से। नाउ ऊपर ये बना है बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स के लिए। अब मान लो आपको रूबीडियम का पता करना है तो 19 प्लस 18 कर दो, रूबीडियम आ जाएगा। सीजियम का करना है तो रूबीडियम का नंबर +18 कर दो, सीजियम आ जाएगा। तो आप किसी का भी एटॉमिक नंबर इससे निकाल सकते हो, किसी का भी। मान लो आपको निकालना है बोरान का, तो बोरान का निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करना है उसमें, ये 3 है 4 है 5 हो गया, ठीक है। तो यानी 1 to 10 तक तुमको याद रहते ही कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहाँ तक याद रखो, और बाकी को याद करने की जरूरत ही नहीं है।
बाकी तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। मैं आपको एक के बाद एक ऐड करना, मान लो जैसे आपने इसका निकाल लिया 5, अब आपको एल्यूमिनियम को बताना कितना है, प्लस 8 कर दो तो 5 + 8 = 13, एल्यूमिनियम आगे 13, ऐसे गैलियम इंडियम थैलियम किसी का भी निकाल सकते। तो ये तरीका हुआ है याद करने का पीरियोडिक टेबल को। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।